अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। जरदारी की गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ का पहला रद्द अमल। कायद हिजब इख्तलाफ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट पहुँच के जाओं ने साफियों ने घेर लिया और आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी से मुतलक सवाल किए। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली में दाखिल होते हुए साफियों के सवाल पर जवाब देते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि आसिफ जरदारी साहब बाकायदगी से नैब में पेश होते रहे और मालूम नहीं कि नैब को गिरफ्तार की जरूरत क्यों पेश आई है। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और नैब को गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। ताहम आसिफ जरदारी फैसला महफूज होने पर अदालत से रवाना हो गए थे और इस वक्त जरदारी हाउस में मौजूद हैं जहाँ से उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जाना था। ताहम नैब की टीम जरदारी हाउस पहुँच गई और आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।